नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। विधानसभा चुनाव ने राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में भव्य रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार किया और रोड शो में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। वहीं राजस्थान की किकड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आपको सोचना पड़ेगा कि धर्म और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। असली नेता जिसने आपके लिए काम किया, वे काम के आधार पर वोट मांगते हैं। उनकी मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है, लेकिन वे जब मंच पर खड़े होते हैं तो एक काम का नाम नहीं लेते हैं। वहाँ भी वे धर्म और जाति के बारे में बात करते हैं, उसी के आधार पर वोट मांगते हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के बाद हुई बहस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। बहस के जवाब में गहलोत ने विपक्ष के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने केंद्र की सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान के बजट में 21,000 करोड़ की कटौती कर दी गई है, जो किसी भी राज्य सरकार के लिए बड़ी रकम होती है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार राज्यों के साथ भेदभाव करती है। सरकार ने बजट में राज्यों के लिए चलने वाली कई योजनाओं में फंड में कटौती की। मनरेगा, मिड डे मील, NFSA, इलेक्ट्रॉनिक्स और आत्मनिर्भर भारत निर्माण जैसी योजनाओं में कटौती की गई। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जयपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस राजस्थान को बीजेपी ने अपने शासनकाल में विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, वहां हर गांव, गरीब, किसानों, महिलाओं तक विकास पहुंचने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं आगे बढ़ी थी। लेकिन 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो राजस्थान रोजगार, पर्यटन, विकास और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। वहीं राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सत्ता में वापसी के लिए सीएम अशोक गहलोत जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने जनता को वोट की कीमत समझाई और साथ ही जनता से 25 नवंबर को मतदान करने की अपील की। वहीं राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनावी प्रचार में जान झोंक दी है और बयानबाजी का दौर भी जारी। इस बीच जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने से न्यूज इंडिया के संवाददाता दीपक कुमार ने खास बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। जयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्र में से एक जो है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिया कुमारी और दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल के बीच होने वाला है। सीताराम जी, सबसे पहले आपके जो चुनाव प्रचार के अंदर लाइन आ रही है कि रघुपति राघव राजा राम, अब की बार सीताराम, क्या मतलब है? एक तरफ, दूसरी ओर
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है आरोप लगाती आ रही है कि कांग्रेस जो है एक दल की पार्टी है, वो धर्म के लिए कोई काम नहीं करती है। ऐसा है कि पहले तो मेरी जो 65,000 घरों में जाके 63,000 घरों में जाके हूँ और हमने हमारी 5 साल की एक बुकलेट छपाई है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी वालों को उसको पढ़ लेनी चाहिए। जब पहला पन्ना खोलते ही श्री राम मंदिर के लिए 5,11,000 रुपये का चेक दिया हुआ है, तो अगर मेरी आस्था नहीं होती तो 5,11,000 रुपये का चेक नहीं देता। वो कोई टैक्स का अमाउंट नहीं था जो मेरे को मैंडेटरी जमा कराना पड़ेगा। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी अभी लगातार, जिस हिसाब से कि केवल एक तबके को मानते हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि इनके जो दौरे हो रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करते हैं। देखिए, कोई भी एक तबके की पार्टी नहीं है कांग्रेस, 36 कौम और सर्व समाज और सर्वधर्म की पार्टी है। हमने कभी जिंदगी में मेरे मंच के ऊपर चलिए, वहाँ पे आप चेक कीजिए और अपने आप मालूम लग जाएगा कि क्या एक पार्टी एक धर्म से कोई पार्टी चलती है, कभी नहीं चल सकती। तो लगातार मामला दिलचस्प है, 7 गारंटी के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो है कई वादे कर चुकी है। 7 गारंटियों के बलबूतियों के ऊपर चुनाव जीता जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है उनके? देखिए, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए नरेंद्र मोदी जी को, और 25 सांसदों को पूछ लो, नरेंद्र मोदी जी को पूछ लो और भारतीय जनता पार्टी को पूछ लो कि राजस्थान के अंदर जिन जिलों के सांसद 25 हैं उन जिलों में उन्होंने क्या विकास करवाया। आपके सामने प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से दिया कुमारी हैं, आप चुनौती के रूप में देखते हैं इसे या फिर आसानी से निकाल देंगे चुनाव? नहीं, ऐसा है, चुनौती के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा चेहरा, मतलब वो राजा हैं हम सेवक हैं, वो नाम वाले हैं हम काम वाले हैं, वो खास हैं हम आम हैं। ये लड़ाई बड़ी विचित्र लड़ाई है, मुकाबला भी दिलचस्प है और हॉट सीट भी मानी जाती है। कितना डिफरेंशिएट रहने वाला है चुनाव के, जो वोटों के अंदर? चुनाव जीतूंगा ये गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ आपको। अभी गिन आ गए हैं, वो जो इंतजार था जिन दिनों का वो अब सामने आ चुके हैं और अब ये तय हो जाएगा कि अब किसके ऊपर जनता मोहर लगाने वाली है। विद्याधर नगर के अंदर दिया कुमारी मैदान में भारतीय जनता पार्टी से, वहीं सीताराम अग्रवाल कांग्रेस से हैं। 7 गारंटियों के बलबूते पर चुनाव जीता जा रहा है, देखने वाली बात होगी जनता किसके ऊपर मन दिखाने वाली है। मेरे सहयोगी सुनील शर्मा के साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। राजस्थान की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से न्यूज इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौहान ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी गारंटियों में महिलाओं को प्राथमिकता, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सुनिए आप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7, मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान, और इस वक्त जो चुनावी यात्रा है हमारी राजस्थान में आ पहुंची है, और इस वक्त हम सिकराए विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर अब से ठीक थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी जनसभा होगी। यहां लोगों से वो मिलेंगे, संबोधित करेंगे, लेकिन सबके बीच सिकराए विधानसभा से ही हमारे साथ ममता भूपेश जी, जो कि राजस्थान में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय को देखती हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद है, महिलाओं के साथ उनसे बातचीत करेंगे। ममता जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? महिला बाल विकास मंत्रालय आप देखती हैं और साथ में महिलाओं के साथ आप हैं भी, इस चुनाव में महिलाओं को कहां देखती हैं? देखिए, महिलाएं पूरी कांग्रेस के पक्ष में हैं, क्योंकि जो कार्य कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे और तमाम तरह की मोबाइल फोन की बात हो, मैं समझती हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटी के अंदर महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना देने का भी वादा किया, तो महिलाएं हमारे लिए प्राथमिकता पर है। महिलाएं प्राथमिकता पर है। एक तरफ भाजपा है जो लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से भाजपा सत्ता में आ जाए राजस्थान में, अपनी पैठ बनाए, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कांग्रेस के पास क्या? देखिए, कांग्रेस के पास में जनाधार है, जनता का आशीर्वाद है, और जो हमने काम किए पिछले 5 वर्षों में लगातार जनता के लिए, उनके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित तौर पे सरकार पुनः बनाने में कामयाब होंगे। आपके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं, आप ममता जी को जानती हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छी लगती हैं आपको? अच्छी, बहुत अच्छी है। अच्छी लगती हैं? क्यों अच्छी? जिंदाबाद ममता भूपेश, जिंदाबाद ममता भूपेश, क्यों अच्छी लगती है? चिल्लाएंगे, मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। देखिए, ये महिलाएं मेरी ताकत है। सिकराए का हमारा पूरा एक परिवार है, और पूरे परिवार के अंदर हम सब लोग 36 कौम, सभी बिरादरी के लोग मिलजुल के रहते हैं,
तो शांति, प्यार, प्रेम, भाईचारा के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें यहाँ पे विजय प्राप्त होगी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।